हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वेब कोड चैनल पे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे रेडियो बटन लगाएंगे और कैसे उनकी वैल्यूज जो हैं उनको गेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है चेक बॉक्स अपने विंडो पे कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो है एक न्यू फाइल बनाई है चेक बटन, और इसमें सिंपल मैंने जो है एक विंडो बनाई है और यहाँ पर एक बटन बनाया है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल एक हमारे पास बटन आ रहा है। अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक चेक बटन चाहिए, ठीक है। यार इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं फिलहाल करता हूँ हाइड, और यार यहाँ पे टैब्स को मैं कर देता हूँ क्लोज, ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही टैब हो अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये ला, तो चेक बटन बनाने के लिए जैसे हमारे पास डिफरेंट क्लासेज होती हैं लेबल, एंट्री और टेक्स्ट और बटन, इसी तरह हमारे पास चेक बटन भी होता है, ठीक है। यार यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाऊँ, चेक सिंपल लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक बटन के क्लास को कॉल कर लेंगे। अब हमें इसको डिफाइन करना होता है कि ये चेक बटन कहाँ पर होगा। तो यार ये मेरे रूट विंडो में होगा, और इस पर टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, इस पर टेक्स्ट होना चाहिए एक्सेप्ट और नॉट, ठीक है। अभी मैं फिलहाल यही लिख रहा हूँ। और इसके फ़ोन का भी हम स्टाइल कर देते हैं। तो फ़ोन का स्टाइल मान लीजिए, अगर मैं एक बार आपको फ़ोन का स्टाइल करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं प्लेस। अब मेरे को ये कहाँ प्लेस करना है, यार ये मेरे 263 से ही हो, और वाई कहाँ से हो। अब आपको पता है यहाँ पे मैंने बटन जो है वाई 200 से डिफाइन किया है, तो यार वाई को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दूंगा। मैं इसको कर दूंगा 150, और इसको हम करते हैं रन। तो ये देखिए हमारा चेक बटन यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए जब ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये टिक हो जाएगा, जब दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो अनटिक हो रहा है। अब मुझे ये वैल्यू गेट करनी है, जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूँ तो यार ये यहाँ पे प्रिंट करके मुझे बता दे कि ये चेकड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। अब यहाँ पर ये वेरिएबल जो है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ चेक वेर, ओके। सिंपल मैंने वेरिएबल का नेम लिख दिया। अब ये वेरिएबल होगा इंट वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने इंट वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि यार हमें ना चेक बटन में दो वैल्यूज पास करनी होती हैं। अब हमारे पास एक वैल्यू होती है ऑन वैल्यू, जब हमारा जो चेक बटन है वो क्लिक हुआ तो क्या होगा। ऑन वैल्यू को मैं कर देता हूँ 1, और इसी तरह मुझे यहाँ पे पास करना होगा कि ऑफ वैल्यू क्या हो। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा ऑफ वैल्यू को 0। अब यहाँ पर आप इंटीजर भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने स्ट्रिंग पास किया तो यार आपको ये वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप लेना पड़ेगा, और यहाँ पर वो स्ट्रिंग को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को लगाएंगे हम वेरिएबल की हेल्प से, और यहाँ पर हम सिंपल उस वेरिएबल को पास कर देंगे चेक वैर को। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी, मान लीजिए अगर क्लिक हुआ, ऑन हुआ हमारी ये चेक बटन, तो 1 वाली वैल्यू चेक वैर में आ जाएगी, और इस वेरिएबल से हम जो है डाटा गेट कर लेंगे। सिंपल यहाँ पर मैं करता हूँ गेट डेटा, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं चेक वेयर डॉट गेट को, ठीक है। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं यहाँ पर, ये देखिए अगर अभी मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, तो इसको मैं क्लिक करूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो अभी भी ये कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यार यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा चेक वेयर डॉट गेट वेरिएबल, ओके। फ्रेंड हमने जो है ये फंक्शन कहीं पे कॉल ही नहीं किया, इसलिए हमें कुछ भी नहीं शो हुआ। तो यार यहाँ पर हमें ना सबसे पहले ये फंक्शन को कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, और ये फंक्शन का नेम है गेट डेटा। तो ये देखिए हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, और अब अगर हम रन करें और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, तो ये देखिए यार इसने इनिशियल में 0 है, क्योंकि ये टिक्ड नहीं है। हमने ऑफ वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे मैं अगर टिक करता हूँ तो आपको पता है हमने जो है यहाँ पर ऑन वैल्यू जो है यहाँ पे 1 दिया, तो यार ये 1 आएगा। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए 1 आया। अब मैं आपको स्ट्रिंग के साथ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँ इसकी टाइप, यार इसकी टाइप ना मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग वैल, ओके। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपको ये भी चेंज करना होगा, तो इसमें आप मान लीजिए मैं कर देता हूँ ऑन, और यहाँ पे ऑफ वैल्यू में मैं इसको लिख देता हूँ ऑफ। अब जो भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे टिक होगा तो यार ऑन हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और अगर हमारा ऑफ होगा तो ये ऑफ स्टोर हो जाएगा। और इसको हम एक बार करते हैं यहाँ पे रन, और यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको देखिए अभी ये यार अपने आप कैसे चेक्ड हो गया। यार हम ये तो नहीं चाहते थे कि यार पहले से ही चेक्ड हो। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे मान लीजिए करूँ, ये देखिए ऑफ आ गया। अब यहाँ पे करूँ ये, तो ये देखिए ऑन हो गया। बट यार ये देखिए जब मैं ये रन कर रहा हूँ यार ये अपने आप चेक्ड आ रहा है। मैं चाहता हूँ यार जब मैं रन करूँ तो ये चेक्ड ना आए, तो आप क्या करेंगे। ये जैसा आपको पता है
मैंने आपको बताया था कि रेडियो बटन में भी हम ऐसे स्ट्रिंग जो है उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी, जब भी हम रन कर रहे थे तो दोनों सेलेक्ट थे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल को आपने इस चेक बटन पर लगाया, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से सेट कर दें। आप इसको सेट कर दें क्या, इसकी ऑफ वैल्यू, ऑफ वैल्यू क्या है, ऑफ, दैट्स इट। बस आप इतना ही करेंगे तो यार ये जो है चेक वैल आना था, और इसको हम अगर करें रन, और ये देखिए अब हमारा चेक्ड नहीं है। अब अगर हम क्लिक करें तो देखिए ऑफ आ रहा है। अब मैं अगर चेक करूँ तो ये देखिए। तो फिर इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे चेक बटन लगाएंगे और वहाँ पे उसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं कि आप जो है चेक बटन पे टर्म्स एंड कंडीशन लगाएं कि यार जब तक वो चेक ना हो मेरा आगे जो है एंट्री फील्ड से डेटा ना गेट करें।